हे नमस्कार दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जो है फायरबोल्ट के दो स्मार्ट वॉचेस का जो है कंपैरिजन करने वाले हैं। तो एक तो है हमारे पास फायरबोल्ट इनविजिबल प्लस और एक जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है फायरबोल्ट लेक्सी। ये दोनों ही वॉच यहाँ पर दिखने में और प्राइस के मामले में जो है काफी सिमिलर ही है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, दोनों का जो कंपैरिजन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों ही वॉचेस में आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। दोनों ही वॉच यहाँ पर जो है दिखने में काफी बढ़िया दिखते हैं और काफी सिमिलर भी है दोनों ही दिखने में। ये दोनों ही वॉच जो यहाँ पर कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, फिर भी साइड से जो इतने मोटे नहीं है इनके डायल, और डायल साइज भी जो है दोनों ही वॉच का ऑलमोस्ट सेम ही है। थिन हैंड्स पे भी जो है वॉच काफी अच्छे सूट हो जाते हैं, बाकी मीडियम और लार्ज हैंड्स पे जो है और अच्छे लगेगा ये वॉचेस। बाकी अगर हम यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों ही वॉच में आपको यहाँ पर जो है मेटल बॉडी मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी जो है काफी अच्छा है दोनों ही वॉचेस का। और इन दोनों ही वॉच का जो वेट है ना वो भी सेम ही है। ये दोनों ही वॉच का जो वेट है वो यहाँ पर 125 ग्राम से इंक्लूडिंग स्ट्रैप, और इन दोनों ही वॉचेस में यहाँ पर जो है 22 mm के स्ट्रैप का यूज किया गया, और दोनों में यहाँ पर जो स्टील वाला स्ट्रैप दिया है ना उसकी जो क्वालिटी है काफी बढ़िया है। बाकी इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर जो है साइड में 3 बटन मिलते हैं, और जो लेक्सी है उसमें आपको 2 बटन मिलते हैं, और इन दोनों ही वॉच में आपको यहाँ पर जो है एक रोटेटिंग बटन मिल जाता है जिससे यहाँ पर आप जो है वॉच फेस वगैरह चेंज कर सकते हो और मेन्यू में भी जो स्क्रॉल कर सकते हो। और इन दोनों में ही आपको यहाँ पर जो है डी अटैचेबल स्ट्रैप का ऑप्शन मिलता है, तो बाद में अगर आपको स्ट्रैप वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हो इन दोनों में ही। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जो है डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोनों में आपको यहाँ पर जो है बेजल्स जो है उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन ऊपर की तरफ जो है एक डायल दिया गया है दोनों में ही, और दोनों के यहाँ पर जो डिस्प्ले स्पेक्स है ना वो भी सेम ही है। इन दोनों में ही आपको यहाँ पर जो है 1.43 इंच का जो एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर जो है 460x460 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है, और लेक्सी में आपको यहाँ पर जो है 466x466 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। और दोनों की जो डिस्प्ले है ना वो तो काफी बढ़िया है, मतलब एमोलेड डिस्प्ले, तो कलर्स वगैरह आपको जो है काफी डार्क और काफी वाइब्रेंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले पर दोनों में ही। और ब्रांड ने तो मेंशन किया है कि इन दोनों में आपको यहाँ पर जो है 60Hz का डिस्प्ले मिलता है, और सही में दोनों का जो डिस्प्ले है ना काफी ज्यादा स्मूथली वर्क करता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था रिव्यू वाले वीडियो में कि 60Hz इतना स्मूथ तो नहीं लगा मुझे इन दोनों का ही डिस्प्ले। और इन दोनों में ही आपको यहाँ पर जो है 600 nits का जो है ब्राइटनेस दिया गया, और मैंने पर्सनली भी जो है दोनों ही वॉच को आउटडोर में भी यूज करके देखा था, तो डिस्प्ले जो है काफी अच्छे से विजिबल हो रहा है आउटडोर में भी। और रेस्ट वेक फीचर भी जो है दोनों ही वॉच का काफी बढ़िया वर्क करता है, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगाने पर जो है दोनों ही वॉच का रेस्ट वेक फीचर काम नहीं करता। और इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर जो है एक फीचर काफी बढ़िया मिलता है कि आप किसी भी जो है वॉच फेस को कंटिन्यूसली ऑन रख सकते हो, बट उससे क्या होता है बैटरी जो है काफी जल्दी ड्रेन होता है, बट आप लगा तो सकते हो किसी भी वॉच फेस को जो आप कंटिन्यूसली ऑन रख सकते हो इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी फीचर आपको यहाँ पर लेक्सी में देखने को नहीं मिलता। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर तो आपको दोनों में दिया गया है, लेकिन इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर जो है 7 different जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले वॉच फेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि लेक्सी में आपको यहाँ पर जो है 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, एनालॉग और डिजिटल वाला। लेकिन इन दोनों ही वॉच का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ब्राइटनेस है ना वो काफी ज्यादा कम लगा मुझे आउटडोर में, तो जो है बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है डिस्प्ले। लेकिन इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर वॉच में जो है 100 से भी ज्यादा वॉच फेस मिलते हैं, तो बार बार जो इसके ऐप को यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लेक्सी में आपको यहाँ पर जो है वॉच में सिर्फ 7 से 8 वॉच फेस ही मिलते हैं इनबिल्ड। और अगर हम यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मोड के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर जो है 300 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, और लेक्सी में आपको यहाँ पर जो है 100+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, तो दोनों में ही आप जो भी रेगुलरली स्पोर्ट्स मोड यूज करते हो सब तो मिल ही जाएंगे। और इनविजिबल प्लस यहाँ पर जो है IP67 वाटर रेजिस्टेंट है, और लेक्सी यहाँ पर जो है IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, तो वॉच पर पानी वगैरह गिरता है तो चलेगा, बट दोनों ही वॉच को यहाँ पर आप जो है स्विमिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों ही वॉचेस यहाँ पर जो है फैशन की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं ना कि एक्यूरेसी की तरफ, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जो है एक्यूरेसी टेस्ट तो किया ही है दोनों ही वॉच का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इनविजिबल प्लस को जो है पहनकर 110 स्टेप्स जो है चल कर आया था, तो वॉच ने यहाँ पर जो है 142 स्टेप्स को काउंट किया, और लेक्सी के टाइम पे यहाँ पर जो है मैं 110 स्टेप्स चल कर आया तो वॉच ने यहाँ पर जो 114 स्टेप्स को काउंट किया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जो है इनविजिबल प्लस के जो हार्ट रेट मॉनिटर के बारे में बात करें तो ऑक्सीमीटर में जो है 87 के आसपास शो कर रहा था, और वॉच में यहाँ पर जो है 74 के आसपास शो कर रहा था पहले, लेकिन वॉच में धीरे धीरे इंक्रीज होते होते यहाँ पर जो है 86 के आसपास आ चुका था, और ऑक्सीमीटर में जो है 87 के आसपास शो कर रहा था HR का रीडिंग। और अगर मैं यहाँ पर जो है लेक्सी के हार्ट रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीमीटर में जो है 103 और 104 के आसपास शो कर रहा था, और वॉच में भी यहाँ पर जो है 103 के आसपास ही शो कर रहा था HR का रीडिंग। और SpO2 मॉनिटर के बारे में बात करें तो दोनों ही वॉच के टाइम पर यहाँ पर ऑक्सीमीटर में जो है 99 शो कर रहा था, और वॉच में भी जो है 99 ही शो कर रहा था। और इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिलता है, लेकिन लेक्सी में आपको यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर और स्ट्रेस मॉनिटर भी मिलता है। और ये दोनों ही वॉच यहाँ पर जो है कॉलिंग के फीचर के साथ आते हैं, तो दोनों में आपको यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और डायल पैड वगैरह मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों ही वॉचेस में आपको यहाँ पर जो है वॉच को म्यूट पर रखने का ऑप्शन नहीं मिलता। और लेक्सी में जो है ना इसका जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कॉल आते टाइम यहाँ पर जो है वॉच में रिंग नहीं बजता है लेक्सी में। और इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर जो है TWS कनेक्ट का भी ऑप्शन दिया गया, और मैंने डिटेल रिव्यू में ऑलरेडी बताया कि TWS को कैसे कनेक्ट करते हैं और सॉन्ग्स वगैरह जो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो वॉच में उसके बारे में। यही नहीं, ये दोनों में आपको जो है काफ़ी सिमिलर फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि स्लीप मॉनिटर, गाइडेड ब्रीदिंग, अलार्म का भी ऑप्शन है इन दोनों ही वॉच में।
और अलार्म जो है ना यहाँ पर आप डायरेक्टली वॉच से सेट कर सकते हो इन दोनों में, तो बार बार ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोनों में यहाँ पर आप जो है वेदर अपडेट चेक कर सकते हो, फाइंड माई फोन, स्टॉप वॉच, टाइमर और वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है आपको इन दोनों वॉचेस में। और दोनों में यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंट फीचर्स भी है, जैसे कि इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया है, 5 डिफरेंट गेम्स मिल जाते हैं, डेट एंड टाइम वगैरह भी यहाँ पर आप जो है वॉच से सेट कर सकते हो इनविजिबल प्लस में। और इनविजिबल प्लस में आपको यहाँ पर जो है पासवर्ड सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है वॉच में। और ये सब फीचर आपको यहाँ पर जो है लेक्सी में नहीं मिलता, लेकिन लेक्सी में आपको यहाँ पर जो है वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, तो दूसरे कंट्री का टाइम वगैरह आप देख सकते हो इसमें। और लेक्सी में यहाँ पर आपको जो है एक स्टॉक का ऑप्शन मिल जाता है। और नोटिफिकेशन वगैरह तो दोनों ही वॉच में काफ़ी बढ़िया से आ जाता है, 3 से 4 लाइन तक का मैसेज पढ़ सकते हो आप वॉच में ही। और कॉल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है दोनों ही वॉच से, यहाँ पर आप जो कॉल को कट कर सकते हो या फिर कॉल को लिफ्ट कर सकते हो। बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनविजिबल प्लस में जो है 380 mAh की बैटरी का यूज़ किया गया है। और लेक्सी का तो पता नहीं, इन्होंने कहाँ पर भी मेंशन नहीं किया कि कितने एमएच की बैटरी यूज़ किया है इन्होंने, लेकिन दोनों में आपको यहाँ पर जो है बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। वॉच यहाँ पर जो है 5 से 6 दिन तक चल जाएगा काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल यूज़ पर, लेकिन आप जो है कॉलिंग वाला फीचर ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर ऑन रखोगे ज़्यादा, तो 1 से 2 दिन तक का जो है बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दोनों ही वॉचेस से। और लास्ट में अगर हम जो इन दोनों वॉचेस के प्राइस के बारे में बात करें तो ये दोनों ही वॉच जो है करंटली आपको 4,500 रुपये में मिल जाएंगे। और इन दोनों ही वॉच का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आपको वॉच को एक बार चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर वॉच के बारे में बात करें तो दोनों ही वॉच यहाँ पर जो है फैशन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि एक्यूरेसी की तरफ। तो एक्यूरेसी जो उतना अच्छा नहीं है दोनों में, लेकिन वॉचेस जो है दिखने में काफ़ी अच्छे दिखते हैं, बिल्ड क्वालिटी दोनों का ही काफ़ी बढ़िया है और डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है आपको इनमें। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप जो है इनविजिबल प्लस के साथ जा सकते हो, इसमें आपको यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है और फीचर्स भी जो है थोड़े से ज़्यादा ही लेक्सी से। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप कि आपको जो आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जो है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।